हरियाणा महिला आयोग के सदस्य सुमन बेदी ने आज शनिवार को हिसार में जिला पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिसार या हरियाणा में हाथरस जैसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पुलिस को अपने क्षेत्र में सुरक्षित माहौल देना होगा। सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, पूरे क्षेत्र में सुरक्षित माहौल पैदा करना होगा, तब ही महिला शक्ति सुरक्षित होगी। फिर भी अगर किसी महिला के साथ कोई आपराधिक घटना हो जाती है तो उस महिला की शिकायत पर पुलिस की त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। इस कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि सुमन बेदी ने आज हिसार पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा के कार्यालय में खुद पुलिस अधीक्षक, सभी पुलिस उप अधीक्षक और थाना प्रभारियों की बैठक ली। उन्होंने पुलिस को कड़े शब्दों में कहा कि महिला विरुद्ध अपराधों के खिलाफ कार्यवाही तुरंत होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्गा शक्ति ऐप पर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर भी तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये जो दुर्गा शक्ति ऐप की टीम है या संबंधित जो नज़दीकी थाने होते हैं उनको मैसेज जाने के बाद भी अगर कोई डील करता है इस तरह की, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 मिनट का टाइम होता है कि आप ठीक है कहीं और गए हुए और वहाँ से वापस आने में आपको टाइम लग सकता है। अगर उसके बाद भी कोई नहीं पहुँचता और वो डायरेक्ट मेरे पास आ गया तो फिर उसका इलाज करना हमें अच्छी तरह आता है। थी महिलाओं के जो विषय थे उनको लेकर जिला प्रशासन के साथ में, पुलिस के साथ में, तो किस तरह की डायरेक्शन उनको दी गई है, किस तरह की जो आयोग की तरफ से जो डायरेक्शन थी उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए, लॉकडाउन के बाद हिसार में हमारा इस तरह से आना नहीं हो पाया था और ये विजिट मैंने इसीलिए रखी कि महिलाओं से संबंधित जितने भी विषय हैं उनकी जितनी भी समस्याएँ इस दौरान आई हैं लॉकडाउन से लेकर अब तक, उन कितनी रजिस्टर हुई हैं, किनका समाधान किस तरीके से किया गया है, कोई महिला पीड़ित है और उसकी सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आज एसपी साहब से मीटिंग की मैंने। तमाम डीएसपी और एसएचओ और आईओ थी, महिलाएं विशेष तौर से, क्योंकि हेल्प डेस्क है तो महिला बैठती हैं और वो समस्या सुनती हैं। उनका रवैया किस तरह का होना चाहिए, क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है महिलाओं के लिए, वो सारी चीज़ें उनको बारीकी से बताई भी गई हैं। और एक चीज़ खास कि हिसार में हमें महिलाओं को ही नहीं पूरे हिसार को सुरक्षित माहौल देना है। अकेले महिलाओं की बात करते हैं लेकिन पूरा हिसार सुरक्षित होगा तो महिलाएं भी सुरक्षित होंगी और इसके लिए पुलिस प्रशासन की जो जिम्मेदारी है उसका बखूबी निर्वहन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। और अगर मेरे पास किसी तरह की कोई शिकायत आती है किसी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ या किसी अधिकारी के खिलाफ, पुलिस अधिकारी भी हो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर उसने कोई ढुलमुल रवैया अपनाया, कार्रवाई नहीं की, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख कर दूंगी जरूर। और किसी की इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम काफ़ी टाइम बाद हिसार आए हैं और हिसार के जो प्रशासन से मिलना हुआ है वो यही हिदायतें देने के लिए कि किसी भी तरह का कोई कांड यहाँ ना हो, पहले सुरक्षित माहौल दिया जाए, अगर उसके बावजूद भी कहीं कोई छुटपुट घटना या कोई बच्ची के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जो हमारे लिए पूरे समाज के लिए शर्मसार करने वाली हो तो उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हाथरस जैसा कोई कांड हिसार में या हमारे हरियाणा में हो। तो हमने पहले हिसार को देखा है, अब हम तकरीबन जो और ज़िले हैं उनमें भी हम विजिट करेंगे। मेन मकसद यही है कि पुलिस कर्मचारियों का जो रवैया है वो सुधरे और अपने काम को वो अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझें और किसी तरह की नेग्लिजेंसी इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.